हाय गाइस, स्वागत है हमारी चैनल में। आज हम देखेंगे कार्टिजन टैबलेट की इस्तेमाल, खुराक, फायदा, नुकसान और सावधानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और अगर ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्टिजन डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, जो टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर के रूप में उपलब्ध है। यह दवाई खासतौर से जोड़ों में दर्द के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। कार्टिजन टैबलेट की उत्पादक और मार्केटर है फार्म्ड लिमिटेड। और गाइस, सामग्री या कॉम्पोजिशन है ग्लूकोजामीन। कार्टिजन टैबलेट की खुराक। गाइस, कार्टिजन टैबलेट की खुराक मरीज की उम्र, लिंग व स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। यह दवा कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, यह भी निर्भर करता है कि मरीज की मूल समस्या क्या है और दवा को किस रूप में दिया जा रहा है। अगर गाइस आपकी कोई खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से जल्दी खुराक का सेवन करें। यदि आपकी अगली खुराक का समय निकट है तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपने खुराक का शेड्यूल दोबारा शुरू करें। छूटी हुई खुराक की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त दवा का सेवन ना करें। कार्टिजन टैबलेट का प्रयोग इन बीमारियों, स्थितियों के उपचार और सुधार के लिए किया जाता है, जैसी गठिया की वजह से जोर दर्द, अस्थि संधिशोथ, गठिया के कारण सूजन, गठिया के कारण अकड़न, संधिशोथ इत्यादि। गाइस, कार्टिजन टैबलेट की कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसी मतली या उल्टी, दस्त, सीने में जलन। लेकिन कार्टिजन का ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक नहीं रहती हैं और एक बार इलाज पूरी होने जाने के बाद अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। अगर ये दुष्प्रभाव और ज्यादा बिगड़ जाती हैं या ठीक नहीं होती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। सावधानियां। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट आदि, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था, आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। अगर आप मधुमेह रोगी या हेपरिन ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आपको उच्च रक्तचाप, कैंसर, यकृत की बीमारी, दमा या सांस की बीमारी है तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो गाइस, कार्टिजन टैबलेट के बारे में और जानकारी चाहिए तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।